हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा करंट टॉपिक है रक्षा मंत्रालय का वो बड़ा फैसला जिसमें देश की आखिरी जमालपुर रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट भी बंद हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट होती क्या है, इसका रोल क्या है, इसका गठन कब हुआ था और ये किस तरीके से कार्य करता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट है जिसको बंद करा जाएगा, या रेलवे ट्यूटोरियल आर्मी जिसको बंद करने का फैसला लिया गया है, वो आखिरी यूनिट है। इससे पहले 5 यूनिट कार्य कर रही थी जिसे बंद कर दिया गया है। ये छठी थी और अंतिम थी जिसको बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। इस आर्मी का रेजिमेंट का मुख्य कार्य ये था कि जब दूसरे देश की सेनाएं अगर भारत पर आक्रमण करती हैं तो रेलवे उसमें किस तरीके से मदद कर सकता है, रेलवे का क्या रोल होगा, किस तरीके से रेलवे से सामंजस्य बैठाया जाए ताकि गोला बारूद, राहत सामग्री और बचाव कार्य किस तरीके से सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके, ये सबसे बड़ा रोल था। इसलिए ही इसका गठन किया गया था। अब इसके गठन की बात कर लेते हैं कि रेलवे ट्यूटोरियल आर्मी का जो गठन है वो 1949 यानी कि 1949 में हुआ था। वहीं जमालपुर रेजिमेंट जिसको बंद किया जा रहा है, जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसका गठन 1950 में हुआ था। जमालपुर में इसे 969 यानी कि 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ट्यूटोरियल आर्मी कैंप के नाम से जाना जाता था और यह देश का छठा रेजिमेंट है। जमालपुर रेल कारखाने में कभी गोला बारूद का भी निर्माण किया जाता था जो आर्मी के लिए सहायक होता था, आर्मी को हेल्प मिलती थी इससे। यहां पर सबसे बड़ा और भी फायदा यह था कि जो सेवानिवृत्त आर्मी के लोग थे उनको कैंटीन का सामान आसानी से मिल जाता था। ये भी एक बड़ा लाभ था जिससे अब लोग वंचित हो जाएंगे। यह देश का छठा रेजिमेंट है और इस वर्ष मार्च में आखिरी बैच यहां पर प्रशिक्षित किया गया था जिसमें 50 लोगों को प्रशिक्षण मिला था। यहां पर कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के सेना के जवान या अधिकारी कार्यरत थे। अब यहां पर जो जमालपुर बंद किया जा रहा है वहां पर 1500 सैन्य कर्मियों का दल था जो अब वर्तमान में 50 का रह गया है, जो सितंबर में पूरी तरीके से खाली कर दिया जाएगा। इसमें यह भी बता दें कि जमालपुर के अलावा कौन कौन सी यूनिट थी, झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद, ये टोटल 6 थी जमालपुर को मिलाकर, जो अब बंद कर दिया जाएगा। जमालपुर इकलौता रेजिमेंट बचा था और इसे भी बंद कर दिया जाएगा। यहां कर्नल पदाधिकारी से लेकर जवानों की कुल संख्या 1500 थी जो मैंने बताया, अब 50 तक रह गई है। 64 वर्षों में यहां पर 20,000 रेल कर्मियों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है। जमालपुर रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट ट्यूटोरियल आर्मी कैंप में 1960 से लेकर 2024 तक रेलवे ने 20,000 रेल कर्मियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया था। इसमें न सिर्फ रेल कारखाना के कर्मचारी थे बल्कि देश के अलग अलग यानी कि सभी 17 रेलवे जोन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। आखिरी बैच को मार्च 2024 में संपन्न किया गया था। रेजिमेंट बनाने का उद्देश्य यही था कि किस तरीके से दूसरे देश की सेनाएं जब आक्रमण करें तो उसका सामंजस्य रेलवे से बैठ सके, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं बताई जा रही है। एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने रिपोर्ट में बताया कि अब इस पैनल की यानी कि इस रेजिमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। आप इसमें क्या राय रखते हैं? क्या इस रेजिमेंट को चलने दिया जाना चाहिए था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए था, आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए था, या फिर सामंजस्य के लिए और तरीके अपनाए जा सकते थे? इसमें भी आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।